हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जीएस पनेशिया। और आज हम कोई टॉपिक ही लेके आए, आज हम पांच क्वेश्चन लेके आए हैं जिनसे हम क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कई लोग हैं जो पढ़ाने का तरीका उनका ये होता है कि वो एक क्वेश्चन कराया उसको वही पेंट कर दिया। आज हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आज हम एक एक करके चार या पांच टॉपिक उठाएंगे और उन पांच टॉपिक्स में से आने वाले हर एक प्रश्न को अभी खत्म करेंगे। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, अभी जो मैंने नोट्स बनाए हैं उनको मैं क्रॉप कर करके वीडियो में साइड में लगाऊंगा, आप उसको देखते चलिएगा। मैं यहाँ बुक से देख देख के एक चीज आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आपको पढ़ना कैसे, कुछ छोटी छोटी बीच में ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, जरा देखिए साइड में क्या लिखा हुआ है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है वो मैंने नहीं लिखा, वो मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है, जब भी हमारे शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हमको क्या यूज करनी होती है, एंटीबायोटिक। जब भी हमारे शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो अपन लोगों को क्या यूज करना होता है, एंटीबायोटिक। जब भी हमारे शरीर में बुखार चढ़ा होता है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ा हुआ होता है तो अपन क्या यूज करते हैं, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक सुनते चलिए बस, एंटीपायरेटिक। ओके नेक्स्ट, चलिए ठीक। अब अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं कि एंटीबायोटिक ऑब्टेंड फ्रॉम ए फंजाई, ये किस प्रकार या किससे पाई जाती है, किससे बनाई जाती है। तो आपको उत्तर देना है कि एक प्रकार के कवक से बनाई जाती है। उस कवक का नाम होता है पेनिसिलियम। उस कवक का क्या नाम होता है दोस्तों, पेनिसिलियम। यानी कि ये एक प्रकार के कवक से प्राप्त की जाती है। कवक को अंग्रेजी में कहते हैं फंजाई, FUNGI, फंजाई। कवक को क्या कहते हैं दोस्तों, फंजाई। और ये किससे प्राप्त की जाती है, एक प्रकार का जो फंजाई है, एक प्रकार का कवक है, दैट इज पेनिसिलियम। ठीक, सारी बातें हो गई। अच्छा, खोजा किसने था, खोजा था 1928 में। 1928 में किसने खोजा था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। खेल खत्म, पैसा जम। नेक्स्ट, दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। पहले देखिए कुछ बातें बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा, कभी दोबारा जीवन में आप नहीं भूलेंगे। ये बताइए, पत्तियां कहां होती है, ऊपर। तो प्रकाश संश्लेषण कहां होगा, ऊपर। तो भोजन कहां बनेगा, ऊपर। तो भोजन ऊपर से नीचे जाता है जबकि जल नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि जड़ें कहां है, नीचे। जल कहां है, नीचे। तो अगर पूछा जाता है कभी आपसे कि भोजन किधर से किधर की तरफ चलता है, तो पत्तियों से जड़ों की तरफ। और जब पूछा जाता है जल किधर से किधर की तरफ चलता है, तो जड़ों से पत्तियों की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन जो पूछा जाता था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा बच्चे इस चीज में कंफ्यूजन रहता है सबसे ज्यादा बच्चों को, कि किससे भोजन जाता था, किससे जल जाता था। यार बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, देखो जरा ध्यान से, जाइलम जल, फ्लोयम फूड। खत्म, खेल। आप आज के बाद दोबारा कभी नहीं फंसेंगे इसमें। जाइलम जल, फ्लोयम फूड, यानी कि फ्लोयम क्या कंडक्ट करता है, फूड को कंडक्ट करता है, भोजन को कंडक्ट करता है ऊपर से नीचे। और जल क्या कंडक्ट करता है, सॉरी, जाइलम क्या कंडक्ट करता है, जल कहां, नीचे से ऊपर, यानी जड़ से पत्तियों की ओर। अब दोबारा जीवन में कभी नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट, तीसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो जिन लोगों ने 2 से 3 बार एग्जाम दिया है वो जरूर जानते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कि पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, उसकी प्रक्रिया का उचित क्रम क्या है। ध्यान से देखिए, इंजेशन, अंतग्रहण, डाइजेशन, पाचन, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, इजेशन, बहिक्षेपण। अब आप कहोगे ये क्या रामायण ऐसा गा दिया, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया। मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा मेरे को ध्यान से देखिएगा, मैं देख देख के बताता हूँ आपको। एक चीज, अंतर्ग्रहण, भोजन हाथ में आया, हाथ से मेरे मुंह में गया, कहाँ गया, मुंह में। सबसे पहले क्या हुआ, इंजेशन, अंतर्ग्रहण, खाया गया, आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ से गया हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में, आमाशय में गया, आमाशय में क्या हुआ दोस्तों, उसका पाचन हुआ, खा लिया, पचा लिया, दो काम हो गए। नेक्स्ट क्या है, देखिए, अवशोषण। अब जो भी कुछ खाया है
कुछ फालतू की चीज तो खाई नहीं होगी, कुछ काम की चीज ही खाई होगी। उसमें क्या क्या होगा? उसमें होगा प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ये सारी की सारी चीजें हुई। तो ये क्या ऐसे ही जाने देंगे? ना, उसको अवशोषित करेंगे, उसका अवशोषण करेंगे। किसके द्वारा? छोटी आंख के द्वारा, बड़ी आंख के द्वारा, विलाइज के द्वारा, ठीक है। तो हम ये सारा का सारा उससे अवशोषण कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या था दोस्तों? इंजेशन मतलब खाया, देन आफ्टर पाचन यानी कि डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन यानी कि सारा का सारा अवशोषित कर लिया गया, और उसके बाद क्या है देखिए ध्यान से, एसिमिलेशन स्वांगीकरण, जो भी कुछ अवशोषित किया गया है ये सब किस में डाल दिया जाता है? फाइनली ब्लड में, हमारे ब्लड में, खून में। भाई देखिए, जैसे हम आपको दो दिन भूखा रखें, समझिएगा बात को, जब हम आपको दो दिन भूखा रखेंगे तो एक स्टार्वेशन की कंडीशन होगी, भूखमरी की कंडीशन होगी। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी बॉडी में पहले धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट कम होगा, समझिएगा बात को, फिर फैट कम होगा, फिर प्रोटीन कम होगा, ऐसे धीरे धीरे लिपोलिसिस हो जाएगा, फैट कम होता चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड में भी शर्करा कम होने लगती है, तो ब्रेन तुरंत कहता है किसी लीवर से कि किसी भी तरह से ब्लड में शुगर का परसेंटेज मेंटेन करो। तो वो कैसे मेंटेन करता है? इसी प्रक्रिया के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, ठीक है। सब कुछ खा लिया, पचा लिया, अवशोषित कर लिया, खून में भी डाल दिया, अब जो बचा है क्या वो अच्छी चीज है? नहीं, दैट इज वेस्ट। वो क्या है? वो है वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, जो कुछ खाना था खा लिया, पचा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, अब जो भी बचा है वो सारा का सारा वेस्ट है। तो उसको क्या कर दिया? गुड मॉर्निंग, खत्म, बाहर निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड इजेशन, बाहर निकाल दिया, उसको इमिट कर दिया। चलिए चौथे क्वेश्चन में आइए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा गया। लार के द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है? बहुत तरह से घुमा घुमा के पूछा था, सुनिएगा। देखिए पहले तो आपको नाम याद करना है सीधे सीधे एमाइलेज, सीधे सीधे आपको क्या याद करना है? एमाइलेज। इसका दूसरा नाम होता है टैलिन। मैं जैसा आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ऐसे ही आपकी कॉपी पे चलना चाहिए, कोई चेंज नहीं करिएगा कुछ भी उसमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात हो गई एमाइलेज। एमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? टैलिन। लेकिन स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? पी से, ठीक है। पटाइलिन, पी साइलेंट होता है, पी नहीं बोला जाता, ठीक है। तो स्पेलिंग स्टार्ट होती है पी से, बट बोला जाता है टाइलिन। आप दोनों नाम याद रखोगे कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? हमारा आंसर होगा एमाइलेज, हमारा आंसर होगा टाइलिन। दोनों में से कोई ना कोई आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके आगे की बात करते हैं। मुख में ही पाचन को प्रारंभ कर देता है, बिल्कुल सही। हमने खाना खाया, अंदर मुंह में डाला, इंजेक्शन किया, दांत चलना शुरू हो गए। जब दांत चलना शुरू हो गए तो सबसे पहले यही टाइलिन या यही एमाइलेज क्या करता है दोस्तों? हमारे भोजन में से कार्बोहाइड्रेट को, मंड को, स्टार्च को डाइजेस्ट करना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है, ठीक। चलिए हो गया खत्म। और हमारा पांचवा क्वेश्चन, लास्ट का, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं ये पांच पांच छह छह क्वेश्चन छांटता हूँ ना, इसमें दो से तीन घंटे लगाता हूँ, सबसे अच्छे क्वेश्चन छांटता हूँ, बहुत जगह से जानकारी को कलेक्ट करके आपके लिए लाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अब देखिए आप जरा देख रहे होंगे तो मैंने इसमें एक क्वेश्चन पे तीन तीन आंसर लिखे हुए, इसलिए आपको समझाने के लिए सबसे पहली बात, ठीक है। ये देखिए, अगर आप हमको देख पा रहे होंगे तो लीवर ये इसकी साइड होता है, यहाँ होता है स्टमक, आमाशय, ये साइड होता है हमारा लीवर, ये साइड सबसे पहले खाया, ये यहाँ होता है हमारा क्या, दैट इज कॉल्ड ग्रसनी, ईसोफेगस। यहाँ से आने के बाद ये जो चेन है वो यहाँ जाके कनेक्ट होती है हमारे किससे, इस स्टमक से, पेट से। और हमारे क्वेश्चन पूछा भी आता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था, ये बताइए भोजन कहाँ से होकर नहीं गुजरता? लीवर, लीवर से भोजन का कोई लेना देना नहीं, उसका ट्रैक अलग है, लीवर दूर बैठे बैठे सारे काम करेगा, ठीक है। तो हमारा लीवर ये साइड होता है, आप देख पा रहे होंगे मैं कैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारा लीवर ये साइड होता है, इस साइड होता है, और यहीं से सारी बॉडी को, सारे डाइजेशन को गवर्न करता है, फैट को पचाना, खून बनाना। मैं तो ये कहूंगा कि लीवर अकेले एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का, इसीलिए इसको वाइटल ऑर्गन कहा जाता है, कि अगर ये खराब हो जाए तो खेल खत्म। लीवर सिरोसिस में यही खराब हो जाता है, हेपेटाइटिस में यही खराब हो जाता है, ज्वाइंटिस में यही खराब हो जाता है। जब लीवर आपका खराब हो जाएगा तो आपकी पूरी बॉडी खराब हो जाएगी, इम्यूनिटी खराब हो जाएगी, ब्लड का निर्माण नहीं होगा, अस्थि मज्जा भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, WBC कम होने लगेगी, और फाइनली हम कमजोर होते चले जाएंगे। चलिए खैर, हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, व्हाट शुड योर आंसर, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए लीवर, ग्लैंड जब पूछा जाए। लेकिन यदि पूछा जाए
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? त्वचा। देखिए कहाँ से शुरू, ये सब क्या है, ये सारा का सारा क्या है, स्किन। कहाँ तक जा रहा है, देखिए सबसे नीचे तक जा रहा है, पैर की छेंगुल तक, ऊपर तक, ये सारा का सारा स्किन। यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग उत्तर क्या होगा? त्वचा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि उत्तर क्या होगा? लीवर। और लास्ट में मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, बताइए दोस्तों, सब जानते हैं, बच्चे बच्चों को पता होगा, हमारी जांग की हड्डी, हमारी थाई बोन, हमारी जांग की हड्डी जिसको हम बोलते हैं फीमर, FEMUR, हमारी जांग की हड्डी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो देखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्क्राइब किए, लेकिन मैंने उससे 50 क्वेश्चन धीरे धीरे निकाल दिए। अगर आप इस तरह से, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा नोट करा रहा हूँ, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप ऐसे ही इसको एज इट इज नोट करते चले जाएंगे, तो इसको बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट स्टडी। पॉइंट टू पॉइंट भी हो गया और डिस्क्राइब भी हो गया। अब वीडियो को आप जब देखोगे तो आपको सारी बातें खुद ही समझ में आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो मैंने जानबूझ के नहीं बनाई, बड़ी छोटी सी वीडियो बनाई है, बट ये आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो बार बार फंसते थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों एक काम कीजिएगा, एक छोटी सी पतली सी रफ कॉपी टाइप की बना लीजिएगा, और जितना जो कुछ आपको दिखाता जा रहा हूँ सब नोट करते जाइएगा, और जब परीक्षा देके आइएगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि कुछ फंसा या नहीं फंसा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।